वालेकुम, दिस इज डॉक्टर हमजा। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर स्पेस एकेडमी। डॉक्टर स्पेस एकेडमी इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर अ हाईली प्रोफेशनल टीम ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स विल सर्व एंड हेल्प यू टू एनहांस योर नॉलेज रिगार्डिंग मेडिकल स्टफ थ्रू विजुअल लर्निंग। डॉक्टर प्लेस एकेडमी विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर असाइनमेंट्स। वी ऑल्सो ऑफर अ वेराइटी ऑफ कोर्सेज एंड वी ऑल्सो कोलाबरेट विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। You can share your queries with us and we will help you out. Doctor Place Academy offers live classes for X-ray interpretation, ECG interpretation, non-invasive ventilation, clinical uses, antimicrobials, electrotherapy, and also include recorded lectures for ultrasound abdomen, CT abdomen, neonatal resuscitation, CT brain, trauma management, ABGS management. Meet the founders of Doctor Space Academy, Dr. Mohammad Huzaifa, the president of the academy, and Dr. Sayyed Hur Abbas Zaidi, CEO of the academy. Now, ladies and gentlemen, today we will discuss on a to discuss some points, something about the topic that is multiple sclerosis. What is multiple sclerosis? What is the definition? What are the clinical features? And what is the management? ठीक है, आज मल्टीपल सिरोसिस की बीमारी को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है CNS का। ठीक है, अब आपके सामने जो है वो एक पिक्चर है, इसको आप आइडेंटिफाई करें कि हु इज शी। ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है। ये हैं ईमान अली। ठीक है, ये ईमान अली हैं। अब इनकी पिक्चर यहाँ पे लगाने का मकसद क्या है? इनकी पिक्चर यहाँ पे इसलिए लगाई है बिकॉज शी इज अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान हु इज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी को सफर कर रही हैं और इनकी ट्रीटमेंट चल रही है। शी इज डूइंग वेल विद इट। अच्छा, अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डेफिनेशन क्या है, क्या होती है, ये इसको डिस्कस करेंगे। नाउ मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज डिफाइंड एज द डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट एपिसोड्स ऑफ न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स सेपरेटेड इन टाइम एट्रीब्यूटेबल टू वाइट मैटर लीजन्स दैट आर सेपरेटेड इन स्पेस। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर इसने क्या कहा है कि इट इज द मोस्ट कॉमन डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर का क्या मतलब है? डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें डीमाइलिनेशन हो रही है। ठीक है, आपकी जो माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट का काम ये होता है कि वो नर्व्स को, इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करती है और एक्सोन को जो है वो कवर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो एंटीबॉडीज कुछ बनेंगी, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो ऑटो इम्यून है इन नेचर, जिसकी वजह से माइलिन शीट जो है वो डैमेज होगी, डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, तो डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिस्टिंक्ट एपिसोड्स ऑफ न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स। डिस्टिंक्ट एपिसोड्स है, ये डिजीज जो होती है, ये कंडीशन जो होती है वो एपिसोडिक होती है। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एपिसोडिक होते हैं, एपिसोड्स के हिसाब से चलते हैं। कुछ टाइम के लिए इसके सिम्टम्स अपियर होते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए इसके सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, ये कोई स्टेडी कंडीशन नहीं है, कंटिन्यूअस कंडीशन नहीं है, बात समझ गए? कंटिन्यूअस कंडीशन नहीं है, ये सिम्टोमेटिक होती है। सिम्टम्स आते हैं इसमें, एपिसोड्स अपेयर होते हैं और उसके बाद कुछ पीरियड्स होते हैं ऑफ रिमिशन। तो एक हमारे पास टर्म होती है रिलैप्स की, एक होती है टर्म रिमिशन की। रिलैप्स क्या होता है? जिसके अंदर आपके पास सिम्टम्स अपेयर हों, जैसे ये एपिसोडिक की बात हो रही है, डिस्टिंक्ट एपिसोड। और रिमिशन क्या होता है? रिमिशन होता है जिसमें सिम्टम्स डिसअपियर हो जाए किसी कंडीशन के। ठीक है, एपिसोड्स हैं न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स के जो कि सेपरेटेड इन टाइम है। व्हाट इज मीन बाय सेपरेटेड इन टाइम? सेपरेटेड इन टाइम का मतलब यही है कि कंटिन्यूअस नहीं है, जो सिम्टम्स हैं वो कंटिन्यूअस इन नेचर नहीं है, बल्कि इंटरवल्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, टाइमली होते हैं, कुछ कुछ टाइम पर होते हैं। एट्रीब्यूटेबल टू वाइट मेटल लीजन्स दैट आर सेपरेटेड इन स्पेस। एट्रीब्यूटेबल का मतलब है कि ये स्पेसिफिक किसकी तरफ होते हैं? वाइट मैटर के लिए होते हैं। वाइट मैटर लीजन होते हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं आपके माइलिन शीथ को। किसके? सीएनएस के। सीएनएस में क्या आता है? ब्रेन आती है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सीएनएस का जो वाइट मैटर है ये उसको इन्वॉल्व कर रहा है। वहां पर ये आपके पास
पैथोलॉजिक डिस्ट्रक्शन करवा रहा है दैट आर सेपरेटेड इन स्पेस। सेपरेट इन स्पेस का क्या मतलब है? सेपरेट स्पेस का मतलब ये है कि जो हमारे पास लीजन्स हैं, जो डैमेज है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो भी हमारे पास कुछ कुछ जगहों पर है, ठीक है, कुछ कुछ सीएनएस की कुछ कुछ जगहों पर है, कंटिन्यूअस नहीं है। ब्रेन है तो ब्रेन की कुछ जगहों पर है, स्पाइनल कॉर्ड है तो उसमें कुछ जगहों पर है ये लीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑपरेटिव वर्ड्स हैं, एक सेपरेट इन टाइम, इसका आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब है सेपरेट इन टाइम का। सेपरेट इन टाइम ये उस उन सिम्टम्स की बात कर रहा है, उन डिफेक्ट्स की बात कर रहा है दैट अकर एट दी रेगुलर इंटरवल्स, और सेपरेट इन स्पेस वो डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है जो कि आपके पास सीएनएस में कुछ कुछ जगहों पर आपको मिलेंगी, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गई? अब हम इसकी एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या है? एपिडेमियोलॉजी ये है कि इसका जो कॉज है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है, ऑटो इम्यून इन नेचर है। आपका इम्यून सिस्टम ही जो है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट जो है वो अटैक कर रहा है। अब कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इसका रोल है। इन्वायरमेंटल फैक्टर का रोल कैसे? इन्वायरमेंटल फैक्टर का रोल ऐसे है कि ये उन लोगों के अंदर आपको ज्यादा मिलेगी जो कि आपके पास अवे फ्रॉम द इक्वेटर रहते हैं, ठीक है, मतलब जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट पर रहते हैं, उन लोगों के अंदर आपको ये ज्यादा कॉमन मिलेगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या आ जाएगा? कोल्ड क्लाइमेट। जेनेटिक्स का रोल है, यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, आपके लोग फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली के अंदर किसी को है तो आपके पास जो है ये रन करती है फैमिलीज के अंदर, ठीक है। तीसरा इम्यून फैक्टर्स हैं कुछ, जो मैंने आपको ऑटो इम्यून का बता दिया। इम्यून फैक्टर्स हैं इम्प्लीकेटेड इन पैथोजेनेसिस, ये सारे आपकी कॉजेशन ऑफ द फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जिनका रोल है। तीसरा क्या है? पीक इंसिडेंस बिटवीन 20 to 30 years ऑफ एज, ये एज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका इंसिडेंस आपको कब मिलेगा, इसका ऑनसेट कब मिलेगा? 20 to 30 years ऑफ एज के अंदर मिलेगा। आगे क्या है? ऑनसेट इन चाइल्डहुड और आफ्टर एज 50 इज रेयर, बच्चों के अंदर इसका ऑनसेट और आफ्टर 50, 50 साल के बाद इसका जो ऑनसेट है वो बहुत रेयर है। तो आपका जो पेशेंट होगा उसकी एज क्या होगी? बिटवीन 20 to 30 years ऑफ एज। ये पहला आपको डायग्नोसिस में पॉइंट हेल्प करेगा कि आपका जो पेशेंट है उसकी एज आपको याद रखनी है। अगर आपको एज याद होगी तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्रिएट करने में आपको आसानी हो जाएगी कि इस एज में ये बीमारी होती है, ठीक है। मे बिकम क्लिनिकली अपेरेंट एट एनी एज, ये पॉइंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आपको सिम्टम जो है वो आपको किसी भी एज पर दे सकता है, लेकिन आपको सब पॉइंट्स पता होने चाहिए ना कि किसी भी एज पर दे सकता है, लेकिन कॉमन चीज ये है कि 20 to 30 years ऑफ एज। रिस्क 6-fold हायर व्हेन डिजीज इज प्रेजेंट इन अ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, 6 गुना रिस्क बढ़ जाएगा अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को ये कंडीशन है तो। मोर कॉमन इन वुमेन एंड कोकेजियंस, वुमेन के अंदर कॉमन है। इसका जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है। अगर आप फीमेल टू मेल रेशियो देखोगे तो 3:2 होता है। फीमेल्स के अंदर ये ज्यादा पाई जाती है, ये औरतों के अंदर कॉमन है ये बीमारी। और कोकेजियंस, कोकेजियंस गोरों की बीमारी है, मोस्ट कॉमन डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर ये किसको इन्वॉल्व कर रहा है? फीमेल जेंडर को इन्वॉल्व कर रहा है। कोकेजियंस हैं जो कोल्ड क्लाइमेट की तरफ रह रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री का रोल है, इम्यून फैक्टर्स है, और एज कौन सी? 20 to 30 years ऑफ एज, ठीक है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आ जाता है? क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास दो चीजें आती है, एक आती है साइन और एक आता है सिम्टम, ठीक है, एक आता है साइन और एक सिम्टम। सिम्टम क्या है कि जिससे आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है। साइन क्या है जो आप पेशेंट के अंदर देखते हो। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके कुछ सिम्टम्स पढ़ेंगे कि पेशेंट जो है वो आपके पास कैसे प्रेजेंट करता है। पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर रहा है यूनिलेटरल विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ। किसके साथ प्रेजेंट कर रहा है? यूनिलेटरल विजुअल इम्पेयरमेंट। अब यहाँ पर जो यूनिलेटरल वर्ड है इस पे आप फोकस करें, इन्होंने बाइलेटरल नहीं लिखा, क्या लिखा है? यूनिलेटरल, एक साइड की आई इन्वॉल्व होगी, ठीक है। क्यों इन्वॉल्व होगी? ड्यू टू ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस की वजह से, या फिर रेट्रो बल्बार न्यूराइटिस इज फ्रीक्वेंटली द इनिशियल मैनिफेस्टेशन।
जो मोस्ट इनिशियल मैनिफेस्टेशन आपके पास है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, वो क्या है? यूनिलेटरल विजुअल इम्पेयरमेंट। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे एक आंख से नजर सही नहीं आ रहा, मैं ब्लाइंड हो जाता हूँ कुछ अरसे के लिए, एपिसोडिक ब्लाइंडनेस मुझे हो जाती, मुझे ठीक नजर नहीं आता, मुझे आई की कंप्लेन्स है, मुझे डिप्लोपिया है, मुझे ब्लर्ड विजन। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी ऑप्टिक नर्व या फिर रेट्रो बल्बार न्यूराइटिस की वजह से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसका सिम्टम याद रखना है कि कौन सा सिम्टम है जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है जिससे, और क्यों प्रेजेंट कर रहा है, वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। उसके बाद आपको क्या मिलेंगी? क्रेनियल नर्व साइंस मिलेंगी। क्रेनियल नर्व साइंस, एटाक्सिया, निस्टैग्मस, इंट्रा इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया इंडिकेट अ कॉन्जुगेट लेटरल गेज फ्रॉम डिसऑर्डर कॉज बाय द इंटरप्शन ऑफ मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेस्टिकुलर फाइबर्स। क्रेनियल नर्व साइंस मिलेंगी क्योंकि आपके पास जब सीएनएस की बात हो गई आपकी, तो वहां से ब्रेन से आपके पास क्रेनियल नर्व की ओरिजिन हो रही है, तो क्रेनियल नर्व जो जो डैमेज होती जाएंगी उनकी आपको साइंस मिलेगी। ठीक है, एटैक्सिया मिलेगी, एटैक्सिया मिलेगी, बैलेंस प्रॉब्लम मिलेगा, गेट डिस्टरबेंस मिलेगी। ये सब क्यों मिलेगा? अगर आपका सेरिबेलम इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, अगर सेरिबेलम इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको एटैक्सिया जैसे सिम्टम मिलेंगे। निस्टैग्मस मिलेगा, व्हाट इज निस्टैग्मस? रिदमिक ऑसिलेशन ऑफ द आईज। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया, आई का एक और भी सिम्टम आपको मिलेगा, इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया, जिसमें क्या होता है? कॉन्जुगेट लेटरल गेज आपको मिलेगा। ठीक है, आईज जो है वो लेटरल साइड की तरफ मूव करेंगी, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट लेटरल गेज टाइप ऑफ इशू। और अगर हम इसको सिम्टम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंटर न्यूक्लियर, मेडिकल टर्म्स के अंदर, तो इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस, एमएलएफ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोपीजिया मिलेगी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अगर इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि सीएनएस में आपको पता है ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड लीजन की वजह से स्पास्टिसिटी, जिसमें आपको मसल वीकनेस मिलेगी, लिम्ब वीकनेस, लिम्ब सही तरह से काम नहीं करेंगे, एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मिलेगी। ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, बाज औकात यूरिनरी डिटेंशन भी मिलती है, बाज औकात बावल डिस्फंक्शन भी मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको सिम्टम याद रखना है, ठीक है, और वो सिम्टम अपियर क्यों हो रहा है, वो क्यों अपियर क्यों हो रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो गया है कि जिसकी वजह से ये सिम्टम आपको मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार हमने क्या क्या सिम्टम पढ़े? हमने पढ़े यूनिलेटरल विजुअल इंपेयरमेंट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑप्टिक नर्व, क्रेनियल नर्व साइंस मिलेगी, आपको निस्टैग्मस मिलेगा, आपको इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोपीजिया मिलेगा, एटैक्सिया मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुआ है तो स्पास्टिसिटी या फिर इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे साइंस दैट इंडिकेट दी दैट इंडिकेट मल्टीपल स्क्लेरोसिस या दैट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सबसे पहली साइन आपके पास है लर्मिट साइन। ठीक है, एज अ फिजिशियन आपको लर्मिट साइन का पता होना चाहिए, क्योंकि देखो पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको सिम्टम्स बताएगा ना, अब आपको उस पर कौन सी जो है वो साइन परफॉर्म करनी है, कौन सा उसके ऊपर मेन्यूअर परफॉर्म करना है जिससे आपको पता चले कि भाई ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो हमारी साइन जो है पहली वो है लर्मेट साइन। लर्मेट साइन की क्या डिस्क्रिप्शन है? लर्मेट साइन की डिस्क्रिप्शन ये है कि शॉक लाइक सेंसेशन दैट गोज अप एंड डाउन फ्रॉम द स्पाइन फ्रॉम द नेक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। आप पेशेंट की नेक को या तो फ्लेक्स करो या तो एक्सटेंड करो, ठीक है, इधर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, और पेशेंट जो है उसके साथ फील करे शॉक लाइक सेंसेशन, कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक सेंसेशन फील करे जो कि दैट गोज अप एंड डाउन द स्पाइन, जो कि स्पाइन से अप और ऊपर और नीचे जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? लर्मेट साइन। अगर लर्मेट साइन पॉजिटिव आती है तो हमारे पास किसकी डायग्नोसिस कंफर्म होगी? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सेकेंड में उटहॉफ्स फिनोमिना। व्हाट इज उटहॉफ्स फिनोमिना? सिम्टम्स टिपिकली गेट वर्स विथ इंक्रीज टेम्परेचर, एग्जाम्पल वेन टेकिंग अ शॉवर और हॉट बाथ। आपको पेशेंट कहेगा कि ये जो मेरे सिम्टम है जो भी हमने पीछे पढ़े, यूनिलेटरल विजुअल इम्पेयरमेंट, एटाक्सिया, निस्टैग्मस, इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोपीजिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, स्पास्टिसिटी, ये सब सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, वो वर्सन हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं जब मैं गर्म पानी से नहाकर
निकलता या निकलती हूं। ठीक है, जब मैं गर्म पानी से नहा लूं, हॉट शावर या हॉट बाथ लूं, तो मेरे सिम्टम्स मजीद खराब हो जाते हैं। ये भी आपको हेल्प करेगा इन द डायग्नोसिस ऑफ एमएस। ठीक है, लर्मेट साइन, उट हॉफ्स फिनोमिना। आगे चलें। अब मल्टीपल सिरोसिस की पैथोलॉजी क्या है? इन द नटशेल हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये क्या बीमारी है, क्या इस पैथोफिजियोलॉजी क्या है जिसकी वजह से पेशेंट को इतने ऐसे सिम्टम्स से जो है वो सफर करना पड़ रहा है। तो इसकी सिंपल जो है वो पैथोलॉजी ये है कि आपको इसमें क्या मिलेंगे, वाइट मैटर इंफ्लामेटरी लीजन्स। वाइट मैटर मैंने आपको कहा माइलिन शीथ ऑफ द सीएनएस। इंफ्लामेटरी लीजन्स वहां पर क्या हो रही होगी, इंफ्लामेटरी डिस्ट्रक्शंस हो रही होंगी। ठीक है, पैथोलॉजिक डिस्ट्रक्शंस होंगी। मल्टीपल वेल सर्कमस्क्राइब्ड इररेगुलरली शेप्ड प्लाक्स। मल्टीपल वेल सर्कमस्क्राइब, अब देखो मल्टीपल जो हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम रखा है ना, मल्टीपल वो इसलिए रखा है क्योंकि आपको जो लीजन्स मिलेंगे वो मल्टीपल मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जगह जगह मिलेंगे, पूरी ब्रेन पे, इंटायर ब्रेन पर नहीं होंगे। वेल सर्कमस्क्राइब्ड इररेगुलरली शेप्ड प्लाक्स। प्लाक्स का क्या मतलब है, कैल्सिफिकेशंस मिलेंगे, डिस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ये सारे सिनोनियम्स है। ठीक है, प्लाक्स कॉमनली अकर, अब आपने लोकेशन इसकी याद रखनी है कि ये आपको कहाँ मिलेंगे। प्लाक्स कॉमनली अकर बिसाइड द लेटरल वेंट्रिकल्स एंड मे बी डिमोन्स्ट्रेटेड टू फॉलो द कोर्स ऑफ पेरी वेंट्रिकुलर वेन्स डॉसन्स फिंगर्स। जो प्लाक्स होंगे वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, बिसाइड द लेटरल वेंट्रिकल्स, आप इसको याद रखो, पैरा वेंट्रिकुलर मिलेंगे। पैरा का मतलब होता है सराउंडिंग। ठीक है, वेंट्रिकल्स की सराउंडिंग पे मिलेंगे। ये लोकेशन आपको याद रखनी है क्योंकि जब आप पेशेंट का एमआरआई देखोगे, अभी हम इसकी जब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, तो आपको वेंट्रिकल्स के सराउंडिंग पे देखना है। ठीक है, वेंट्रिकल्स की सराउंडिंग पर जो है वो कैल्सिफिकेशंस मिलेंगी आपको बाकायदा, अभी हम आगे देखेंगे पिक्चर के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो वेंट्रिकल्स की सराउंडिंग पर आपको क्या मिलेंगी, कैल्सिफिकेशंस मिलेंगी, प्लाक्स मिलेंगे, एंड मे बी डिमोन्स्ट्रेटेड टू फॉलो द कोर्स ऑफ पेरी वेंट्रिकुलर वेन्स। और वो जो वेंट्रिकल्स के बाद वो किसको फॉलो कर रहे होंगे, कोर्स ऑफ पेरी वेंट्रिकुलर वेन्स को। जो पेरी वेंट्रिकुलर वेन्स है, वेंट्रिकुलर वेन्स हैं, उनकी सराउंडिंग पर भी आपको जो है वो ये प्लाक्स की कंटिन्यूएशन मिलेगी, और उस कंटिन्यूएशन को हम कहते हैं डॉसन्स फिंगर्स। क्या कहते हैं, डॉसन्स फिंगर्स कहते हैं। डॉसन्स फिंगर्स क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ द प्लाक्स है दैट फॉलो द कोर्स ऑफ द पेरी वेंट्रिकुलर वेन्स। ठीक है, प्लाक्स आर ऑल्सो कॉमन इन ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्टिक नर्व्स। आपको और भी लोकेशन बता दिए कि प्लाक्स आपको ब्रेन स्टेम में मिल सकते हैं। ब्रेन स्टेम में क्या आता है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, यहाँ पर भी आपको प्लाक्स मिल सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी मिल सकते हैं। ठीक है, और ऑप्टिक नर्व्स में भी मिल सकते हैं। अब ये एरिया है कि कौन सा एरिया अफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपको वो सिम्टम आ रहे हैं, जो एरिया इन्वॉल्व होगा उसके हिसाब से आपको सिम्टम मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आप थोड़ा सा देखें, यहाँ पर एमआरआई है ब्रेन का। ठीक है, एमआरआई ऑफ द ब्रेन, जो कि आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है कैल्सिफिकेशंस, ये देखें वाइट मेटल लीजन्स, ये देखें सराउंडिंग द लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको फोकस करना है, वो जो थ्योरी हमने पढ़ी थी वो थ्योरी को यहाँ पर अप्लाई करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि एमआरआई पे आपको वेंट्रिकल्स के सराउंडिंग में पेरी वेंट्रिकल लीजन्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी ऑटो इम्यून अटैक, दिस इज ऑटो इम्यून इन नेचर। ठीक है, ये हमारे पास लोकेशंस है, पेरी वेंट्रिकुलर वाइट मैटर, सेकेंड ऑप्टिक नर्व्स, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो अभी हमने डिस्कस किया कि लोकेशंस क्या होंगी, कहाँ कहाँ हमें जो है वो वाइट मैटर लीजन्स मिल सकते हैं। अब ये देखें, ये भी आपके पास एमआरआई की पिक्चर्स हैं कुछ, जिसमें आपको इजीली डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि यहाँ यहाँ जो है वो आपको वाइट मैटर लीजन्स मिल रहे हैं, ये रहे। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर अप्रिशिएट कर सकते हैं इसको। अब हम इसका क्लिनिकल कोर्स पढ़ेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का क्या क्लिनिकल कोर्स है,
मैंने आपको क्लिनिकल कोर्स से एक बात ये बताई स्टार्टिंग के अंदर ही कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो बेसिकली एक एपिसोडिक होती है, ठीक है, इस एपिसोडिक होती है, मोस्टली एपिसोडिक होती है। इसमें रिलैप्स और रिमिशन का चक्कर होता है। रिलैप्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सिम्टम्स अपियर हो, और रिमिशन का मतलब होता है जिसमें सिम्टम्स डिसअपियर हो जाए, पेशेंट जो है वो नॉर्मल जैसे लोग रह रहे हैं उसी तरीके से अपियर हो कि उसको कुछ भी मसला कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो बेसिकली आपके पास फोर पैटर्न्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसका जो पैटर्न ऐसा क्लिनिकल कोर्स है वो इटसेल्फ जो है वो फोर पैटर्न्स पर मुश्तमिल है। पहला पैटर्न है इसका रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग, ठीक है, पहला पैटर्न क्या है इसका, रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग विच इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग मैंने आपको बताया जिसमें सिम्टम्स अपियर हो और फिर सिम्टम्स जो है वो डिसअपियर हो जाए, ये मोस्ट कॉमन पैटर्न है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है आपका एमएस का, ठीक है। सेकेंड है आपके पास सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मे हैव सुपर इम्पोज रिलैप्सिस। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है, जिसके अंदर आपके पास सिम्टम्स जो है वो आपके, ये सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में सिंपल ये होता है कि रिलैप्सिंग रिमिटिंग वाला ही चक्कर होता है, लेकिन इससे मजीद आपको जो है वो सुपर इम्पोज रिलैप्सेस मिलते हैं, मजीद जो है वो बीच बीच में अटैक्स मिलते हैं। मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तीसरा है प्राइमरी प्रोग्रेसिव और चौथा होता है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग पैटर्न। अब ग्राफ्स के थ्रू इसको समझते हैं कि इसमें क्या है। अब ये जो आपका ग्राफ है, इस ग्राफ में पहले आप इसके बेसिक समझो कि जो ग्राफ में आपका एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अब पेशेंट का टाइम क्या कहलाएगा, पेशेंट का टाइम एज कहलाएगा, ठीक है, उसकी एज क्या है, उसकी उम्र क्या है, ठीक है। ये एज वाला ग्राफ हो गया, एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो आपको एज बता रहा है, जो आपका वाई एक्सिस है वो बता रहा है आपका इंक्रीजिंग डिसेबिलिटी। इंक्रीजिंग डिसेबिलिटी क्या है, ये जो हमारे सिम्टम्स हैं, जो कि सिम्टम्स आपके पास एक परमानेंट डेफिसिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, परमानेंट डेफिसिट यानी हमेशा के लिए जो है वो डिसेबिलिटी क्रिएट कर दे। अगर आई ब्लाइंड हुई है तो थोड़ी करते 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 वो परमानेंटली जो है वो ब्लाइंड हो जाए। तो वाई एक्सिस जो है वो आपको डिसेबिलिटी बता रहा है और जो एक्स एक्सिस है वो आपको एज ऑफ द पेशेंट बता रही है, ठीक है। अब आप सबसे पहला जो ग्राफ है इसके ऊपर फोकस करें, जो फर्स्ट पे दिया हुआ है सबसे पहला। इस ग्राफ में आप साइड में डिस्क्रिप्शन भी देखते जाएं कि क्या लिखा हुआ है इसमें, कि रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या होता है इसके अंदर, अनप्रिडिक्टेबल अटैक्स विच मे और मे नॉट लीव परमानेंट डेफिसिट्स फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ रिमिशन। इसके अंदर अनप्रिडिक्टेबल अटैक्स आते हैं, ठीक है, विच मे और मे नॉट लीव, जो के परमानेंट डेफिसिट्स लीव भी कर सकते हैं, मतलब परमानेंट डेफिसिट्स भी करवा सकते हैं और परमानेंट डेफिसिट्स ना भी करवाएं, डिसेबिलिटी ना भी करवाएं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ रिमिशन। अब आप इस ग्राफ को देखो, ग्राफ के अंदर जैसे ये ग्राफ की लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है, आप ये रेड लाइन पे फोकस करो, रेड लाइन ऊपर जा रही है, ये आपके पास क्या हो रहा है, इसका अटैक आ रहा है, फिर स्लोप जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये पीरियड ऑफ रिमिशन है जिसके अंदर पेशेंट नॉर्मल की तरफ है। फिर उसके बाद जो है वो वापस अटैक आया, फिर वापस स्लोप गिरा, फिर वापस अटैक आया, तो दिस इज रिलैप्सिंग, जिसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, आपका ग्राफ लाइन ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ जाती है, पीरियड ऑफ रिमिशन जा रहा है। ये वाला ग्राफ समझ आ गया सबको। अब हम करेंगे ग्राफ नंबर टू। ग्राफ नंबर टू जो है वो आपके पास पैटर्न दिखा रहा है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इनिशियल रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, शुरू में यानी स्टार्ट के अंदर इनिशियली जो है वो रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है। आप इसका स्टार्ट वाला पोर्शन देखो, वो सेम है, जो स्टार्ट जो रेड लाइन है वो ऊपर वाले की रेड लाइन से, जो ग्राफ वन वाला है उससे सेम है, जिसके अंदर वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है एज दैट ऑफ रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप, जिसके अंदर आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं, फिर सिम्टम्स डिसअपियर होते हैं, अटैक आता है, फिर रिमिशन आता है, लेकिन बाद में क्या होता है, देन सडनली बिगेंस टू हैव डिक्लाइन विदाउट पीरियड्स ऑफ रिमिशन। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आपको पास डिसेबिलिटी मिल रही है लेकिन रिमिशन वाला फेज नहीं आ रहा। रिमिशन वाला फेज नहीं आ रहा का मतलब सिम्टम्स फिर डिसअपियर नहीं हो रहे, बात समझे, रिमिशन का फेज नहीं आ रहा। इसके अंदर शुरू में आपका रिलैप्सिंग रिमिटिंग था, जिसके अंदर आपको रिमिशन के फेज मिल रहे थे, लेकिन फिर एकदम से पॉइंट ऐसा आया जिसके अंदर आपको रिमिशन के फेज नहीं मिले, डिसेबिलिटी की तरफ पेशेंट जाता गया जाता गया जाता गया।
अब आप आ जाओ ग्राफ 3 के ऊपर, ठीक है। अब इन जो स्टार्ट के 2 ग्राफ हैं उसमें से याद रखना है जो मोस्ट कॉमन है वो आपका टाइप 1 वाली टाइप है। आपके जो 85% पेशेंट्स होते हैं वो इसी के अंदर फॉल करते हैं। जो हमारी ईमान अली है, ठीक है, जिनकी मैंने आपको भी तस्वीर दिखाई थी, उनको भी जो है वो रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो सेकंड टाइप के अंदर फॉल करते हैं, सेकंड टाइप तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं रिलैप्सिंग रिमिटिंग में और फिर उसके बाद वो एंटर कर जाते हैं फेज 2 के अंदर, ग्राफ 2 में आ जाते हैं, टाइप 2 के अंदर। अब आप थर्ड पैटर्न देखो, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस ग्राफ में आप अगर देखो तो इसमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। स्टेडी इंक्रीज इन डिसेबिलिटी विदाउट अटैक्स, इसके अंदर जब से ऑनसेट हुआ तब से देर इज स्टेडी इंक्रीज इन डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी पे इंक्रीज आता गया आता गया आता गया विदाउट अटैक्स। इसके अंदर कोई अटैक नहीं आ रहा, जब अटैक नहीं है तो फिर कोई रिमिशन भी नहीं है। सब बात समझ गए, इसमें कोई आपको जो है वो अटैक नहीं मिल रहा, इसमें सिंपल जब से आपने ये ऑनसेट हुई इस डिजीज की, सिम्टम आने शुरू हुए तब से जो है ये डिसेबिलिटी की तरफ गए 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 और हम डिसेबिलिटी की तरफ ही जाते चले गए, हमारा पेशेंट जो है वो डिसेबिलिटी की तरफ ही जाता चला गया। ये आपका था ग्राफ 3। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ 4। ग्राफ 4 जो है, जो हमारे पास टाइप 4 है जिसका नाम है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये रेयरेस्ट पैटर्न, बहुत ज्यादा रेयर, ये जो है वो इसके पेशेंट हमने बहुत रेयरली देखे हैं, लेकिन इसमें क्या है ये समझना जरूरी है। इसमें है ये कि स्टेडी डिक्लाइन सिंस ऑनसेट विद सुपर इम्पोज अटैक्स, इसके अंदर डिक्लाइन आ रहा है। आप अगर रेड लाइन पर देखो जो वाई एक्सिस की तरफ है, ये लाइन जो है वो आपके पास डिक्लाइन की तरफ जा रही है, मतलब डिसेबिलिटी की तरफ जा रही है, लेकिन साथ साथ अटैक्स भी आ रहे हैं जिसमें सिम्टम्स मजीद पेशेंट के खराब हो रहे हैं, ठीक है। पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो मजीद खराब हो रहे हैं, वर्सन हो रहे हैं ड्यूरिंग द अटैक्स, और उसके बाद वो डिक्लाइन की तरफ जाता जा रहा है जाता जा रहा है। तो स्टेडी डिक्लाइन सिंस ऑनसेट विद सुपर इम्पोज अटैक्स। अब हम एक रिव्यू इनको फिर से देते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। क्लिनिकल कोर्स जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है वो किसे 4 पैटर्न्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला हमारा पैटर्न है रिलैप्सिंग रिमिटिंग, विच इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है के अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स विच मे और मे नॉट लीव परमानेंट डेफिसिट्स फॉलोड बाय द पीरियड्स ऑफ द रिमिशन। सेकेंड टाइप इज द सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है इनिशियल रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, शुरू में आपको इनिशियल रिलैप्सिंग रिमिटिंग मिलती है और उसके बाद सडनली बिगेन्स टू हैव डिक्लाइन विदाउट द पीरियड्स ऑफ रिमिशन। टाइप 3 इज प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके अंदर स्टेडी इंक्रीज आपको मिल रहा है इन डिसेबिलिटी विदाउट दी अटैक्स, कोई अटैक इसमें नहीं आ रहा। प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या है, स्टेडी डिक्लाइन सिंस ऑनसेट, स्टेडी डिक्लाइन आप अगर देखते जाओ फ्रॉम द ऑनसेट डिक्लाइन आ रहा है, लेकिन विद ऑनसेट विद सुपर इम्पोज अटैक्स, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन एज अ डॉक्टर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सिंपल जो है वो उसकी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर करनी पड़ती हैं। उसमें क्या आता है, उसमें हम 2 चीजें करवाते हैं, एक हम CSF एनालिसिस करवाते हैं यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस, और एक हम MRI करवाते हैं। CSF करवाओगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एलिवेटेड प्रोटीन लेवल मिलेगा, दूसरा गामा ग्लोबुलिन जो है वो इंक्रीज हुए हुए हों, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन्स का वजह क्या है, क्यों गामा ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स बेसिकली आपका रिप्रेजेंट कर रही है एंटीबॉडीज को, आपकी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स जो है ना उससे कनेक्टेड है, तो एंटीबॉडीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये गामा ग्लोबुलिन्स आपको बड़ी भी मिलेगी इन द CSF। मोस्ट शो ओलिगो क्लोनल बैंड, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ठीक है, आपको कुछ क्लोनल बैंड ही मिलते हैं, तो ये CSF की फाइंडिंग्स में आपका प्रोटीन लेवल बढ़ा हुआ होगा, गामा ग्लोबुलिन्स एलिवेटेड होंगे और ओलिगोक्लोनल बैंड्स भी कुछ शो कर रहा होगा। MRI करवाओगे, MRI आप किसके साथ करवाओगे, गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट, तो बाज औकात गैडोलिनियम के साथ नहीं भी करवाते हैं लेकिन गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट के साथ बाज औकात करवाते भी, तो MRI विद गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। जो मैंने आपको पीछे पिक्चर्स दिखाई MRI की वो क्या था, MRI था विथ गैडोलीनियम कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इसमें आपके जो लीजन्स थे वो इनलाइटेन हो गए, आपको पूरे जो है वो क्लियरली नजर आ गए, ठीक है। ये हमारी है इन्वेस्टिगेशंस फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब हम इसकी जो है वो ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, इसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैनेजमेंट फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले जो है
मैनेजमेंट में सबसे पहला काम जो किया जाएगा वो पेशेंट को ये जो अक्यूट रिलैप्सेस हैं इसको ट्रीट किया जाएगा। अक्यूट रिलैप्सेस का क्या मतलब है, जो उसके सिम्टम्स जब आपके पास आ रहा है वो उसको जो एपिसोडिक सिम्टम्स आ रहे हैं आपको उसको ट्रीट करना है। वो आप कैसे ट्रीट करोगे, हाई डोज IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देकर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करोगे और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम क्यों देते हैं, टू रिलीव इंफ्लामेशन। यहाँ पे इंफ्लामेशन हो रही ना, इंफ्लामेटरी लीजन है, इसलिए आपने क्या करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं हाई डोज में इंट्रावीनस। जो रूट होगा वो कौन सा होगा, IV रूट होगा, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप दोगे। डिजीज मॉडिफाइंग थेरापी यूज करोगे, डिजीज मॉडिफाइंग थेरापी। देखो दिस इज अ ऑटो इम्यून कंडीशन, तो ऑटो इम्यून कंडीशन को आप जो है वो क्योर नहीं कर सकते, आपको उसकी जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आप क्योर नहीं कर सकते उसको। तो आपको जो है डिजीज मॉडिफाइंग थेरापी में इंटरफेरॉन्स यूज करने हैं। कौन से इंटरफेरॉन्स, बीटा इंटरफेरॉन्स यूज करने हैं, या आपको याद रखना है बीटा इंटरफेरॉन्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, बीटा इंटरफेरॉन्स यूज कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास दवाई है जिसका नाम है ग्लैटिरमर एसिटेट, ये भी यूज करते हैं। क्यों, ये वजह क्या है, डिजीज को मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि जब डिजीज क्योर नहीं होती तो हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करते हैं, नटालीजुमैब और ऑक्रेलिजुमैब। ये आपके पास एग्जाम्पल है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में लास्ट में क्या आता है, MAB आता है, मैब, ये यूज करते हो ताकि क्या हो जाए, डिजीज मॉडिफाई हो जाए। अब अगर हमारे पास रिफ्रैक्टरी डिजीज है, रिफ्रैक्टरी डिजीज का क्या मतलब है कि आपने ऊपर जितनी भी मेडिसिन थी वो यूज कर ली, ठीक है, एंड पेशेंट को कोई आराम नहीं आ रहा, अभी भी कोई जो है उसके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे, आराम नहीं आ रहा, तो फिर आपको जो है वो क्या करना है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स देने हैं। उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करना है, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसेंट्स में आप क्या यूज करते हो, कीमोथेरापी एजेंट्स यूज करते हो। कीमोथेरापी एजेंट्स यूज करोगे यानी इम्यूनो सप्रेसेंट्स यूज करोगे, जिसके थ्रू आप इम्यून सिस्टम को उसके सप्रेस करोगे ताकि उसके सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। अब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो है वो शॉर्ट समरी आपके सामने पेश कर दी है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले हमने जो है वो क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किए थे रिस्क फैक्टर्स फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हमने रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि फीमेल जेंडर है अगर, फैमिली हिस्ट्री है, ज्योग्राफी कोकेशियंस, कोल्ड क्लाइमेट आ गया इसमें, अवे फ्रॉम द इक्वेटर जो रहते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन कोई इसकी है नो, एंड अभी तक कोई इसकी प्रिवेंशन नहीं है, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स, ब्लर्ड विजन मिलेगी आपको, यूनिलेटरल विजन लॉस, डिप्लोपिया, एटैक्सिया, नमनेस, वीकनेस, फटीग, डिप्रेशन। डायग्नोस्टिक वर्कअप में MRI विथ एंड और विदाउट गैडोलिनियम, CSF एनालिसिस, ठीक है। MRI करवा रहे तो आपको क्या मिल रहा था, वाइट मैटर पेरीवेंट्रिकुलर लीजन मिल रहे थे दैट फॉलो द कोर्स ऑफ पेरीवेंट्रिकुलर वेन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉसन्स फिंगर्स। ट्रीटमेंट में क्या थे, इंटरफेरॉन, कौन से इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, ग्लैटिरमर एसिटेट, IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे थे फॉर अक्यूट रिलैप्सेस, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिसकी क्या है, हाईएस्ट एफिकेसी, अभी तक जो हमने जो भी ट्रीटमेंट्स हमने इसकी की है डिस्कस, जो भी ट्रीटमेंट्स हम यूज करते हैं उसमें जो हाईएस्ट एफिकेसी है, जिसकी एफिकेसी ज्यादा है, जो एफिशिएंट है, वो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ठीक है। अब हम इसके थोड़े से BCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी हमने जो है वो अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड जो है वो बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है। आप इसके आंसर्स जो है वो अपने पास नोट करना, ठीक है, और फिर यहाँ पे बताना। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लोकलाइजेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की लोकलाइजेशन से रिलेटेड कौन सी बात ट्रू है। इट मे अफेक्ट मल्टीपल लोकेशंस इन द CNS। बी इट यूजली मैनिफेस्ट, ए का क्या मतलब है कि वो मल्टीपल लोकेशंस को, मुख्तलिफ जगहों को अफेक्ट कर रहा है इन द CNS। बी इट यूजली मैनिफेस्ट सोलली इन द स्पाइनल कॉर्ड, यानी वो किसको इन्वॉल्व करे, स्पाइनल कॉर्ड को सिर्फ इन्वॉल्व करे। सी इट मे अफेक्ट मल्टीपल पेरिफेरल नर्व्स, मुख्तलिफ पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करे। डी इट यूजली अफेक्ट ओनली वन पेरिफेरल नर्व। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपके पास ए, इट मे अफेक्ट मल्टीपल लोकेशंस इन द CNS। इसका आंसर हो गया ए।
कि ये मल्टीपल लोकेशन है, सीनेस को अफेक्ट करता है क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है